अब हरियाणा से लगा हुआ है राजस्थान, राजस्थान और हरियाणा में भी बड़ा अंतर है। राजस्थान में बड़े सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, हरियाणा में आप जी इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। मैं राजस्थान गया हूँ जी, श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम के आगे भी श्री, हरियाणा में तो बाप के नाम के आगे नहीं लगा हुआ है। बोले किसका से? बोले देवकी का। मुझे एक भिखारी मिला, बोले 6 रुपए दे। भाई हमारे यहाँ दीजिए शब्द है ही नहीं। मैंने कहा क्या करेगा? बोला चाय पीऊंगा। मैंने कहा चाय तो 3 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पियोगा मेरे साथ? मैंने कहा शर्म नहीं आती सड़क में भीख मांगते हुए? बोला इस काम के लिए भी ऑफिस खोल लूँ। मैंने एक से कहा, मैंने कहा तुम्हारे हाथ पाँव ठीक ठाक है फिर भी भीख मांगते हो? बोला 3 रुपए 2 रुपए के लिए अपने हाथ पाँव तुड़वा लूँ के? एक से मैंने कहा तुम्हारे हाथ पाँव ठीक ठाक है, कोई मेहनत काम क्यों नहीं करते? तो पलट के बोला तेने कभी भीख मांगी है? बोले फिर तुझे क्या पता मेहनत किसे कहते हैं? आदर सूचक शब्द हमारे यहाँ होते नहीं। अच्छा जैसे राजस्थान में चले जाओ कितनी मान मनुहार होती है, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ वेटर तक इतनी मान मनुहार करते हैं। हरियाणा में तो ये मान मनुहार खुद ही करानी पड़े है। वो एक दामाद पहुंच गया रात को 12 बजे, तो सासू से बोला भाई जो बना बस वही दे दे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो सास बोले भाई 2 रोटी रखी है, 1 सब्जी रखी है, खा ले। बोले ठीक है। तो सास ने 2 रोटी और सब्जी ला के रख दी, तो अगले ने 1 रोटी वापिस करी। तो सास बोली वापिस क्यों दे है? बोले बाद में बूझ जाएगी नहीं, एक और लो एक और लो। तो हम तो मनुहार भी खुद ही करा लेते हैं जी। अच्छा राजस्थान के ठीक बराबर में गुजरात है। मैं एक बार एक गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया। मैं ही जानता हूं जी मेरी क्या स्थिति हुई। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, भाई ने खाऊं सूंघूं क्या करूं भाई, समझ में नहीं आ रहा था। वो जामन जितना दही, वो दही लो जी दही। अब हरियाणा में तो गिलास भर के छाछ नहीं मिले तो काहे की दही भाई। अच्छा ऐसी उनके फुलके, हल्के फुलके। जब वो पहला फुलका आया मैंने सोचा भाई 15-20 खाऊं तब जाके बात बनेगी, लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वां फुलका देते हो बोला ये तो लेना ही पड़ेगा।